If you don't want to miss any Bollywood gossip, press the bell icon to get instant update from us. ऋषि कपूर था दुनिया के लिए, मेरे लिए हमेशा चिंटू था। सब जानते हैं कि हमारे यहां कर्ज का साथ आज तक है। आज तक हम कर्ज की उसी वातावरण में हैं। हिंदुस्तान का अगर 5 सर्वोत्तम आर्टिस्ट एक्टर्स में कोई है तो ऋषि कपूर है। 40 साल तक उनका पैशन अभी तक नहीं गया था। मैं लास्ट महीने ही उसको मिला था। मैं शूटिंग में जाऊंगा, मैं काम करूंगा, मेरा ये रोल है, तुम एक पिक्चर बनाओ। वो तो ऐसा लगता था कि बीमार ही नहीं था, उतनी ही एनर्जी। ये बहुत बड़ा शब्द मुझे से मैं मेरे लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। सॉरी सिद्धू, वी ऑल लव यू। दिस मॉर्निंग अनदर वेरी वेरी सैड न्यूज हैज कम। Mr. Rishi Kapoor is no more. I thought I'm dreaming. Yesterday we lost Irfan Khan, and today another big, big actor like Rishi Kapoor. I have no words to express. If I talk personally, I came to Mumbai by seeing Rishi Kapoor's films, especially Bobby. I remember the day when I had rode down on cycle 70 km to watch his film from Delhi to Rohtak, the Bobby. I think the era of romantic hero started from there. Today he is not with us. We will miss him badly, and I pray to the Almighty to give enough strength to the family members and my tributes to Rishi sir. Shatanji. Om Shanti Shanti Shanti. I just cannot believe that Rishi ji is no more. I'm deeply, deeply saddened by this news. Just yesterday we heard Irfan Khan is no more, and today this devastating news. In a span of 2 days, we have lost 2 great actors. It's such a huge loss for Indian film industry, and I have worked with both of them, and especially with Rishi ji, I was able to work with him in 3 films, Hina, Honeymoon, and Mohabbat Ki Aarzu. And in my debut film Hina, the love, affection, and guidance I got from Rishi ji gave me the confidence to be myself throughout rest of my career, and for that I would forever be thankful to him. हम लोग actually बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं, very difficult times, very tough times indeed. पर इतने सारे बुरी news एक साथ, it's really heartbreaking and devastating. Yesterday हम लोग इरफान जी के न्यूज़ संभाल नहीं पाए, उसके बाद ऋषि जी। इरफान जी इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। वो ऐसी एक मिसाल देखे गए हम लोगों को कि इंडियन फिल्म्स और इंटरनेशनल फिल्म्स को कैसे मर्ज किया जाए, और व्हाट अ प्रोलिफिक एक्टर ही वाज। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कल इरफान भाई को खो दिए, और आज सुबह अमिताभ बच्चन साहब का हम ट्वीट पढ़े और पता चला लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। और ऋषि कपूर साहब वो एक्टर हैं जैसे हम 90s में जब हम आए थे, तो हम लोग एक्टिंग चूंकि सीखने के पैसे ऐसे तो थे नहीं, तो हम इनकी फिल्में देख के अमिताभ बच्चन साहब की, ऋषि कपूर साहब की फिल्में मैं ज़्यादा देखता था, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था नेचुरल एक्टिंग ये कैसे करते हैं, कैसे पानी की तरह इतने आसानी से ये डायलॉग्स बोलते हैं।
कैसे ढप इतने अच्छे बढ़िया ये डफली बजाते थे जो कोई नहीं। तो कपूर खानदान का नाम था ही राज कपूर साहब का, पृथ्वीराज कपूर ये थर्ड जनरेशन रहे और उन्होंने सिनेमा के लिए इस परिवार ने सब कुछ किया। मेरी मुलाकात एक बार उनके साथ घर पर हुई थी तो हमने उनसे पूछा था कि आप कैसे ऋषि साहब कैसे कर लेते हैं एक्टिंग इतने आसानी से कर लेते हैं जैसे पता ही नहीं चलता आप किरदार जीते हैं। अब वो आपकी फिल्म मेरा नाम जोकर में मैं देखा था जब आप छोटे थे या बॉबी से जब आप शुरू हुई, फिर खेल खेल में, फिर सरगम रहा, फिर वो प्रेम रोग रहा और अनगिनत फिल्में, और दी डे अभी उनकी देखी थी, अनगिनत फिल्में, अनगिनत कार, जिंदा दिल इंसान, और फिर प्रधानमंत्री जी ने जब आदेश निर्देश दिया था कि करुणा वॉरियर को हम लोग क्लैप देंगे तो उन्होंने कैसे थाली बजा के एक स्वागत किया था। और जस्ट हर्ड अर्ली इन द मॉर्निंग कि ऋषि कपूर जी हैज पास्ड अवे, चिंटू जी एज वी वुड से, एंड इट्स वेरी वेरी सैड। ही वाज सच अ ग्रेट मैन, आई नो हिम, बचपन से जानता था ऋषि जी को, हम उनके आर के स्टूडियो में जाके होली मनाया करते थे और वो एक्टर भी नहीं थे तब से जानता हूँ, फिर वो एक्टर बने, बॉबी की भी शूटिंग में मैं गया था, हमारे रिश्ते फैमिली वाले रिश्ते थे उनके साथ, और जब भी वो मिलते थे हमेशा एक स्माइल उनके मुंह पे होती थी, कुछ ना कुछ कॉमेडी करते रहते थे, हंसाते रहते थे हमेशा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब भी उन्हें खुशियों से याद करें, उन्हें याद करें कि एक ग्रेट इंसान, एक ग्रेट सुपर टैलेंटेड इंसान, फैबुलस एक्टर, एंड कपूर खानदान मतलब फिल्म इंडस्ट्री के स्तंभ, उनमें से एक एक बहुत ही शाइनिंग एग्जांपल ऋषि कपूर हैज लेफ्ट अस। सिर्फ एक बात का बहुत दुख होने वाला है कि ऋषि कपूर जो थे वो हमेशा पहुंच जाते थे सबके फ्यूनरल पे और हम उनके फ्यूनरल पे नहीं पहुंच पा रहे, बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। बाकी चिंटू जी वेयर एवर यू आर, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू एंड वी विल ऑलवेज लव यू एंड रिमेंबर यू। मुझे ही नहीं, हर एक देशवासी को, पूरे देश को बहुत टाइम लगेगा ये एक्सेप्ट करने के लिए कि वो नहीं है। दे वर नॉट ओनली प्रेशियस टू द इंडस्ट्री बट आई थिंक द होल कंट्री इज सफरिंग एंड मोर्निंग अ ह्यूज लॉस एंड इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अस टू कम टू टर्म्स विद इट। आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग फिल्म and dancing to the songs of Chandni and Bobby, enjoyed films like Do Duni Char and 102 Not Out, and Irfan sir has been an inspiration. He's been such a motivating factor to all actors of all generations. We look up to him, we look up to actors like him, we want to perform like him. He's an inspiration and he's been to all generations, I can say that for sure. And I can also safely say that they will live through their films. They will be remembered. They will always live through their films. They will live in our hearts forever. Always. I pray to God to help them rest their soul in peace. And I pray that God gives strength to their family and friends at this time. And they will always be with us through their films, through their work. They will continue to inspire us.